नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और भी किसी की हेल्प हो सके, इसलिए इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे। 80% लोग रात को टेबलेट्स लेते हैं ताकि उनका सुबह पेट साफ हो जाए, जो गलत है। आपका पेट अपने आप साफ होना चाहिए। जब आप टॉयलेट जाएं तो आप बैठे, आपका पेट साफ हो और 2 मिनट में आप बाहर आए, ये होता है प्रॉपर डिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन आजकल मैंने देखा है ऐसा होता नहीं है, लोग आधा आधा घंटा टॉयलेट में बैठते हैं। उसका रीजन है आपकी गलत दिनचर्या और आपकी गलत डाइट। इसलिए जो भी आप आहार लेते हैं उसमें रफेज मैक्सिमम शामिल कीजिए। जौ का आटा ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए। आप अपनी डाइट में अमरूद ऐड कीजिए, पपीता ऐड कीजिए, पालक ले सकते हैं। रफेज वाले आटे लीजिए, जैसे जौ, रागी, ज्वार, बाजरा, वीट भी लीजिए, बट इन आटों को भी ऐड कीजिए। चने का आटा भी आप ले सकते हैं। और जो आप आटा गूंदते हैं, अगर उसको आप सब्जियों की प्यूरी से गूंदेंगे, जैसे पालक की प्यूरी से आप गूंद सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, बथुआ डाल सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और लंच से पहले अगर एक प्लेट भर के फ्रूट्स खा रहे हो आप, और उसमें भी पपीता, अमरूद, पाइनएप्पल, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, अम्ब, आजकल जैसे संतरे आ रहे हैं, किन्नू आ रहे हैं, ये आप ले सकते हैं। और इसके बाद हमेशा खाने के बाद आप थोड़े से सौंफ लीजिए, और रात को कोशिश कीजिए कि 6-6:30 बजे तक आप डिनर कर लें, और 8-8:30 आप दूध पिए, और नियमित व्यायाम जरूर करें। अगर आप सारा दिन बैठे रहेंगे तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। और दिन में सोना नहीं है आपको, क्योंकि उससे डाइजेशन खराब होती है, तब भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। इसलिए इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जीरा, अजवाइन वगैरह जो स्पाइसेस हैं, इनको अपने डाइट में ऐड करो, ताकि आपकी डाइजेस्टिव पावर बढ़े। और एक्सरसाइज जरूर ऐड करनी है, ताकि खाना पचे आपको और भूख लगने पे खाना है। और धनिया पुदीने की चटनी फ्रीक्वेंटली लें, क्योंकि ये एंजाइम्स हैं फ्रेश, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए इनको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। धन्यवाद।